तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं एक यूनिक स्टाइल से। मैंने आज आपके लिए बनाने जा रहा हूँ एक भुर्जी। जी हाँ, अंडा भुर्जी मुंबई के स्टाइल में, लेकिन मुंबई से भी थोड़ा डिफरेंट स्टाइल में। ये आपुन का स्टाइल है, तो इसी स्टाइल में हम बनाने जा रहे हैं एक भुर्जी यानी अंडे का भुर्जी। तो इसे हम बनाएंगे हम मक्खन में, और जो 15 रुपए की पैकेट वाली मक्खन आती है छोटी वाली आपने देखा होगा, उतना हम इस्तेमाल कर रहे हैं। और इसके बाद भी हम मक्खन इस्तेमाल करेंगे, वो हमें आपको आगे दिखाएंगे। तो ये देखिए, ऐसे ही हमारी गर्म कढ़ाई में ये तैयार हो रहा है भुर्जी। मेरा फेवरेट है यार भुर्जी, और मुंबई में भुर्जी पाव ठंडियों में तो बड़ा मज़ा आता है, बारिशों में भी बड़ा मज़ा आता है। और मुंबई में हमेशा लोग भुर्जी खाते हैं, यानी वड़ा पाव के बाद कोई चीज़ आपको खाई जाती है तो वो है भैया अंडे का भुर्जी। अब हम इसमें डालेंगे प्याज, यानी हमने करीबन 100 ग्राम के आसपास हमने प्याज लिए, यानी दो मैंने बड़े बड़े प्याज पहले ही काट लिए हैं, और उसको पहले ही मैंने बढ़िया से कट करके रखा हुआ था और मैंने डायरेक्ट ही कढ़ाई में डाल दिया। बस अब इसे लाल होते हुए हम पकाएंगे, ज़्यादा लाल नहीं करेंगे यार, ज़्यादा लाल करेंगे तो खाने का मज़ा ही नहीं आता है फिर, ठीक है, क्योंकि हम सब्जी नहीं बना रहे, हम बना रहे हैं भुर्जी, ठीक है। जब सारी चीज़ें इसमें पड़ेगी ना तब मज़ा आएगा ये। तो आज हम इसे बनाएंगे हरे प्याज वाले। ये प्याज तो हम जो रेगुलरली यूज़ करते हैं, लेकिन जो हरा प्याज होता है और जो प्याज के पत्ते होते हैं उसमें जब ये बनता है ना, आहा क्या टेस्ट और क्या मज़ा आता है। तो मैं सोच रहा हूँ आज आपको ये ट्राई करके दिखाऊं, और आप अपने घर में ज़रूर बनाइएगा। जब इसे बनाएंगे ना, मैं सच कह रहा हूँ, सब कहेंगे भाई बार बार बनाओ इसे, बार बार बनाओ, और लोग इतने खुश हो जाएंगे ना इसे खा के। फिर बोलना मुझे, आप कमेंट करना ज़रूर कि आपको ये कैसा लगा, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारा नेक्स्ट पार्ट है, वो है पता है क्या है, टमाटर। लेकिन टमाटर से पहले मैंने जो गार्लिक जो था, जिंजर और गार्लिक, और इसके अंदर मैंने नमक डालकर इसे पहले ही मैंने कूट लिया था, अच्छे से मैंने इसका पेस्ट बना लिया था, ठीक है। तो हमने इसमें करीबन 10 छोटी छोटी जो लहसुन होते हैं वो ले लिया था, और आधा कटा हुआ मैंने अदरक ले लिया था, और उसमें थोड़ा सा नमक डालकर मैंने इसको पेस्ट बना दिया, ठीक है। नमक के साथ जब मैंने इसका पेस्ट बनाया ना, तो भाई बहुत अच्छा इसका मिक्सचर हो गया और बहुत ही अच्छा इसमें टेस्ट आ गया, ठीक है। टमाटर से पहले हमने डाला हुआ है ये, थोड़ा इसको हम फ्राई कर लेंगे, और गैस को थोड़ा हम धीमा रखेंगे, ज़्यादा नहीं रखेंगे, क्योंकि फिर ज़्यादा रखेंगे ये जलने लगेगा, ठीक है। ये नीचे इसे पकड़ने मत देना, ठीक है, अगर पकड़ेगा तो फिर इसका टेस्ट का ना पूरा मज़ा ख़राब हो जाएगा, ठीक है। हम इसे कम से कम 1 मिनट तक देंगे, और 1 मिनट के बाद हम इसमें डालेंगे हमारा मेन जो पार्ट्स है वो है टमाटर। तो टमाटर डालना बहुत ज़रूरी है, और टमाटर हम जैसे ही डालेंगे और इसमें और ज़्यादा मस्त फ्लेवर आने लग जाएगा, क्योंकि भुर्जी टमाटर के बगैर अधूरा है। भुर्जी यानी यार कांदा उसका हस्बैंड है, तो टमाटर उसकी बीवी है ना, उसकी वाइफ है, तो यही समझ लो आप, ठीक है। और जो अंडा है ना वो ग्रैंडफादर है इसमें, ठीक है, क्योंकि उसके बगैर तो भुर्जी बन ही नहीं सकती। तो इसे धीरे धीरे हम फ्राई करते रहेंगे, और अभी हम थोड़े गैस को फास्ट कर देंगे, क्योंकि जो टमाटर है वो बहुत ज़रूरी है उसके लिए थोड़ा सा तेज आग। बहुत इजी प्रोसेस है, और ऐसा जो मैं आपको तरीका बता रहा हूँ ना, मैं सच कह रहा हूँ आप इसका दुकान भी शुरू कर सकते हैं, लोग बड़े कस्टमर आएंगे, हाँ मैं सच कह रहा हूँ आपको, लेकिन बड़ा मज़ा आएगा, ऐसा आपने कभी ट्राई नहीं किया होगा, एक आज आप ट्राई करना। और इसमें मैं आज क्या क्या डालने वाला हूँ मैं सच बता देता हूँ, इसके अंदर पड़ेगी लेमन भी पड़ेगी, पता है आपको, इसमें मैं नींबू भी डालूंगा, नींबू का रस डालूंगा, और फिर इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें डालूंगा। ये देखिए मैंने हरे जो प्याज है मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं, ठीक है, मैंने जो कांदा पत्ता जो था वो डाल दिया, ज़्यादा नहीं डालना इसके अंदर, ठीक है, 4 से 5 जो लंबे लंबे उसके जो पत्ते होते हैं वो डाल सकते हैं। मैंने ऐसे अंडा बस खाली आपके लिए मस्ती करने के लिए डाला है, फिर मैंने निकाल लिया इसे, ठीक है। हाँ आपने सोचा कि अरे खड़े अंडा क्या होगा, इसमें पूरा अंडा तो इसने तोड़ा ही नहीं, ठीक है, तो हमने ऐसे इसको बना दिया। ये देखिए इसे ऐसे ऐसे हमें बस धीरे धीरे इसे फ्राई करना है, ठीक है। तो इसमें हमने जो मटेरियल लिया है, हमने प्याज लिया है, टमाटर लिया है, लहसुन लिया है, अदरक लिया है, नमक लिया है, हरा जो पत्ता है प्याज का वो लिया हुआ है कटा हुआ, ठीक है। और मसाले जो है इसमें लगेंगे, तीखे तीखे में लाल मिर्च लगेगी, हल्दी पाउडर लगेगा, और जो धनिया है धनिया पाउडर भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है।
तो ये हमने मसाले इसमें यूज़ किए हैं, और इसमें यूज़ किया है बटर, जो मक्खन है वो इस्तेमाल किया, तेल हमने बिल्कुल नहीं डाला है, क्योंकि आज हम सोच रहे थे कि बटर में बनाया जाए और बटर वाला इसको टेस्ट दिया जाए कि कितना अच्छा लगता है ये बटर वाला। बस इसको ऐसे ही हमें बस प्रेस करते जाना है। अगर आपके पास जो पाव भाजी जैसे भाजी प्रेस करते हैं अगर वो वाला भी है तो चम्मच ठीक है, नहीं तो आप इसको ऐसे ही कर सकते हैं। अक्सर रेडियो पे मुंबई में जहाँ पे भी बनता है, मैंने जयपुर में भी देखा था, क्योंकि मैं जयपुर में जब रहता था वहाँ का फूड जब कवर करता था तब मेरे को ये ऐसी सारी चीज़ें बनाने को पता चली है। ठीक है, अब इसे ऐसे ही हम थोड़ा सा पकाएंगे और इसमें हम डालेंगे हरी मिर्च, और हरी मिर्च आप अपने तीखानुसार डाल सकते हैं, और क्योंकि हरी मिर्च के बगैर ना भुर्जी मज़ा नहीं आता। ठीक है, जैसे हम पाव के साथ या राइस के साथ या रोटी के साथ खाते हैं ना, तो थोड़ी सी हरी मिर्च यानी तीखा आता है तो मज़ा लगता है, यानी भुर्जी बगैर तीखा मज़ा नहीं आता। बस ऐसे धीरे धीरे फ्राई करते रहना इसे, और धीरे धीरे ये करना है। अगर आपको लगता है कि बटर कम पड़ रहा है तो आप इसमें बटर इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए जो भी डिश है बनने में कम से कम 15 से 20 मिनट तो लगता ही है। अगर आपको अच्छी डिश खानी है 15 से 20 मिनट लगता ही है, बढ़िया बढ़िया। ठीक है, बस ऐसे ही इसे अच्छे से पका लेना है। इसके अंदर का जो स्मेल है, जो कच्चा स्मेल आता है वो हटा देना है। ठीक है, अब इसमें क्या पड़ेगा मैं आपको बताता हूँ। और इसमें अब हम क्या डालने वाले हैं, अब हम डालने वाले हैं ये हल्दी पाउडर, ज़्यादा नहीं, आधा चम्मच। और इसमें पड़ेगा जो रेड चिल्ली पाउडर है वो हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच, और हम डालेंगे हमारा जो धनिया, कूटा हुआ धनिया था वो हम डालेंगे। आप इसमें पीसा हुआ भी धनिया डाल सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वही धनिया डालना है, आप इसमें पीसा हुआ भी अपना धनिया डाल सकते हैं। ये देखिए हमने जो दरदरी पीसी हुई धनिया थी वो हमने डाल दिया है, और अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी डालेंगे, और पानी डालकर इसे थोड़ा मिक्स करेंगे, और ऐसे ही हम इसे जब इसे पकाएंगे थोड़ा सा इसे भी हम फ्राई कर लेंगे। पानी थोड़ा सा इसे मिक्स करने के बाद तुरंत थोड़ा सा इसके अंदर पानी डालेंगे। जब इसमें पानी डालते हैं ना तो थोड़ा सा उस चीज़ को ना थोड़ा सा अच्छा वो हो जाता है। अक्सर जो रेडियो पर जो फुटपाथ पर जो बनाते हैं वो ऐसे ही बनाते हैं, अक्सर वो पानी नहीं डालते, लेकिन मैं थोड़ा सा पानी डाला हूँ इसमें। ये बिल्कुल यूनिक स्टाइल है और इतना टेस्टी आपके लिए बना रहा हूँ ना, मैं सच कह रहा हूँ। ठीक है, इतना टेस्टी बना रहा हूँ मैं, क्या बताऊँगा आपको। अब हम इसमें पानी डालेंगे और वाटर को इंक्लूड करेंगे, क्योंकि अक्सर लोग भुर्जी में वाटर नहीं डालते, लेकिन मैं डाल रहा हूँ। मैं इसलिए डाल रहा हूँ कि थोड़ा सा जो इसमें ना यूनिक स्टाइल आ जाए, यूनिकपन आ जाए, और इसका जो सारा जो मसाला और जो सारा सब कुछ है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए। जब वो अच्छे से मिक्स हो जाएगा ना तो ये बहुत ही प्यारा लगेगा खाने में और बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, जो इसका टेस्ट है ना वो बिल्कुल तरीके से आ जाएगा। अब हमने इसके ऊपर जो अभी डाला हुआ है, ये डाला हुआ है हमने गरम मसाला, तो गरम मसाला हमने बाद में इंक्लूड किया है जब हमने हल्दी और मिर्च और जो धनिया पाउडर था उसे मिक्स करने के बाद ही हमने इसके अंदर गरम मसाला डाला हुआ है। इसीलिए डाला कि गरम मसाला बाद में, क्योंकि थोड़ा सा इसका टेस्ट आए। ठीक है, तो चलिए अब इसके अंदर पानी इंक्लूड करने का टाइम आ चुका है, और पानी थोड़ा सा हम ज़्यादा नहीं, आधा गिलास का भी आधा आधा, जो छोटी वाली गिलास होती है ना उससे, ठीक है, उसको हम पानी डाल देंगे। और थोड़ा सा जो हमारा धनिया है वो भी इसमें हम डाल देंगे, और धनिया इसलिए कि जब इसके साथ हम मिक्स करेंगे ना तो धनिया का ना वो अलग सा टेस्ट आएगा। ठीक है, लोग बाद में डालते हैं, लेकिन अब इसमें ना थोड़ा सा धनिया पहले डाल दें और फिर इसको आप मिक्स करें, फिर इसको अच्छे से पकाएं, और फिर देखना भाई जो इसमें से स्मेल आएगी ना, आहा, जो इसकी सुगंध आएगी ना, आप बगैर खाए रह नहीं सकते। अब वापस मेरे ही तरीके से बनाओगे। भुर्जी तो लोग झटपट बना देते हैं 4-5 मिनट में, लेकिन जो मैंने बनाया है वो बहुत ही प्यार से और दिल से बनाया है। मतलब इसमें मैंने अपना दिल डाला है, इस खाने में मैंने मेरा स्वाद डाला है। तो इसे ढक देंगे, करीबन 2 मिनट से ज़्यादा हम इसे नहीं पकाएंगे, क्योंकि 2 मिनट हम रख देंगे तो थोड़ा सा अच्छे से ना मसाला और जो अंदर के जो सारी चीज़ें हैं ना वो अच्छे से पक जाएंगे। तो सिर्फ 2 मिनट के लिए हमने फास्ट इसे, देखिए एकदम इस वीडियो को बहुत ही फास्ट फॉरवर्ड किया है, तो ये देखिए ये 2 मिनट के लिए ये फटाफट हो जाएगा, और इसे हम हटाएंगे। और
इसे फिर से एक बार हम चला लेंगे और चेक कर लेंगे कि अच्छे से पका है कि नहीं पका है। अगर इस तरह से भुर्जे बनाएंगे, मैं सच कह रहा हूँ, 101% गारंटी दे रहा हूँ मैं, अब बार बार बनाएंगे इसे, बार बार, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे अंडा, दो हम इसके अंदर अंडा इस्तेमाल कर रहे हैं, आप तीन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आप चार भी कर सकते हैं, मैं कहूँगा दो या तीन अंडा इस्तेमाल करें, ठीक है। और दो से तीन अंडा, ये दो लोगों के लिए मैं बना रहा हूँ, तो दो लोगों के लिए ये एक भुर्जी है जो अंडा भुर्जी है, ये मैं बना रहा हूँ। भुर्जी को इंग्लिश में क्या कहते हैं यार, मुझे बताना ज़रूर, ठीक है, मुझे पता नहीं क्या कहते हैं। अब इसमें हम क्या डालेंगे पता है? बताओ क्या डालेंगे? बटर। तो इसमें हम आधा चम्मच बटर डालेंगे और इसमें डालेंगे ये नींबू, जो लेमन है ये इंक्लूड करेंगे, और हाँ, और इसी की वजह से जो खट्टापन है ना वो आएगा और खाने में फिर बड़ा मज़ा आएगा, ठीक है। अब हम इसे मिक्स कर लेंगे पूरी तरीके से, ये देखिए, आराम आराम से मिक्स करना है हमें, और इसे बस इसे नीचे पकड़ने नहीं देना है, क्योंकि हम इसे अगर तेज आंच पर रखेंगे तो ये नीचे से जलने लग जाएगा, इसे जलने नहीं देना है। तो हमारा जो भुर्जी है वो पूरी तरीके से तैयार हो चुका है, और इसमें अब हम डालेंगे, इसमें आप धनिया भी इंक्लूड कर सकते हो, आप अभी भी धनिया डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, इसमें धनिया डाल सकते हो, बस इसे अच्छे से पकाना है, ठीक है। जो रेडियो पे मिलते हैं ना वो क्या करते हैं, उसे अच्छे से पकाते हैं, तभी उनका टेस्ट निकल कर आता है, तभी हम बार बार रेडियो पर जाते हैं, ये वो सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। और बहुत पहले, बहुत साल पहले, जब हम बहुत छोटे थे, तो माई फादर वॉज एक इसी तरह के एक भुर्जी बनाते थे, और हमारी भुर्जी की दुकान थी यार, अंडे पाव की गाड़ियाँ लगती थी उस टाइम, बहुत पुरानी बात है, ठीक है। तब मुझे इन सारी चीज़ों का थोड़ा बहुत नॉलेज है, तो पापा बेचा करते थे, और पापा का ये बना हुआ तरीका है, और पापा मेरे बहुत अच्छे कुक हैं, और उन्हें बहुत सारे नॉनवेज और ये वो सारी चीज़ें बनाते थे जब पापा नहीं रहते थे, तो तब हम कस्टमर आते थे तो हम उन्हें बनाकर ये खिलाते थे, बड़ा पसंद आता था लोगों को। तो आज बहुत साल हो गए, तो मैं चाह रहा हूँ कि अब आपको बनाकर खिलाऊं, और ये बिल्कुल अपना स्टाइल है, अपना बोले तो मुंबई का है, लेकिन मुंबई में भी हमने अपना स्टाइल दिया है, मैंने अपना दिया। तो ये देखिए, एक भुर्जी हमने पूरी तरीके से फ्राई कर लिया और इसे बिल्कुल एकदम अच्छे तरीके से इसे पका लिया। अब ये पाव के साथ आप खा सकते हैं, और आप ऐसे भी खा सकते हैं, आप किसी के भी साथ खा सकते हैं, मैंने बस ऐसे मजाक करने के लिए डाल दिया था, ठीक है। अब इसमें हम बस धनिया पत्ता डालेंगे ऊपर से, और तब हम इसको अच्छे से खा सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। आप नींबू भी इसके अंदर बाद में डाल सकते हैं, इंक्लूड कर सकते हो। अब हम इसमें करेंगे पाव को गरम, और पाव के साथ भी आप खा सकते हैं, अगर रोटी बनाई आप रोटी के भी साथ खा सकते हैं, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने जो नॉन स्टिक पैन था उसके अंदर हमने बटर डाल दिया है, और इसके अंदर हम पाव लेंगे और पाव को गरम करेंगे, और बस जो मुंबई का जो मक्खन पाव है, और मक्खन पाव के में जब हम इसे खाते हैं तो बड़ा मज़ा आता है, ठीक है। तो हमने दो पाव को गरम कर लिया है, आप दो क्या चार भी साग खा सकते हैं, ये कम से कम इस दो जितना मैंने बनाया उसमें कम से कम आप कुछ नहीं तो आप 6-7 या 8 पाव तो आराम से खा सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, हमारा जो पाव था वो बिल्कुल गर्म हो चुका है, और ऐसे ही बिल्कुल ही हम इसे तैयार कर लेंगे। तो चलिए, अब इसे सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है ये, अब हम इसे खाएंगे बनाकर बढ़िया से। और ये देखिए, बन तो चुका है, बस अब खाने की बारी है, ठीक है। हमारा पाव भी गर्म हो चुका है, और अब इसे हम सर्व करेंगे थाली में। ये देखिए आ गया ना भाई साहब, प्याज और क्या कहते हैं नींबू, और ऊपर से बटर वाला पाव, और फिर मक्खन वाला भुर्जी जो ओनियन की है। आपको कैसे लगा पता मैं ज़रूर बताना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। शुक्रिया।